जितने भी डॉलर्स है ना इसमें बांटाओ गरीबों में। चलो वापस एक मिनट दोस्तों, ब्रांड गर्मी रिलैक्सेशन। हाँ स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे केआरके बाबू की। केआरके बाबू 10 दिन जेल रहकर आए हैं तो थोड़े शांत हो गए हैं। उनकी लेटेस्ट 2 ट्वीट्स हैं। एक में कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि करण जौहर ने मुझे अरेस्ट करवाया है या एसआरके सलमान अक्षय फलाना ढमकाना इन्वॉल्व है मेरे अरेस्ट में। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं, ऐसा केआरके बाबू कह रहे हैं, मैं नहीं। अब उनकी लेटेस्ट एक और ट्वीट है ये कि वो सोच रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनके हिसाब से अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित रहना है तो नेता होना ज़रूरी है। अभी नेता नहीं। बेचारा 45 किलो का आदमी पहले ही था, 5 फुट 1 इंच शायद कद काठी है उसकी, 56-57 साल उम्र है। अब कह रहा है 10 किलो वज़न कम हो गया 10 दिन, क्योंकि जेल में सिर्फ पानी पिया है, मतलब 35 किलो के भार में वो आ गया है, जितना 5-6 साल का बच्चा होता है। तो मैं क्या कहूँ भैया अब उनके बारे में, वक्त ने उन्हें एक सीख दी है, अब देखते हैं इस सीख को कहीं वो ज़िंदगी की भीख ना समझे तभी ठीक रहेगा। केआरके बाबू अब तो जो करेंगे सो करेंगे, बट अभी लगता है रोज़ एक एक ट्वीट का तड़का कुछ दिन डालते रहेंगे। वैसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करण जौहर साहब, 600 करोड़ बजट पे बनी आपकी फिल्म ब्रह्मास्त्र, आखिरकार 100 करोड़ क्रॉस कर गई है। मुबारकें हों डिस्ट्रीब्यूटर्स को और सभी लोग जो फाइनेंशियली इन्वॉल्व है ब्रह्मास्त्र के साथ, क्योंकि सबको इतना चूना लगा है कि धर्मा प्रोडक्शंस को तो ताला लगने में भी टाइम है थोड़ा, उनके बोरिए बिस्तरे बांध दिए गए हैं, वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं बन पाएंगे और शायद जिस घर में रह रहे होंगे वो भी उनके हाथों से जाएगा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।